नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय जो हम बात कर रहे हैं तो माहौल चुनावी है। माहौल चुनावी इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव, गुजरात में चुनाव और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, उसके बाद यूपी में होने वाले निकाय चुनाव और इसके साथ ही साथ अभी जिस समय उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, एक अलग तरह का माहौल को बनाते नजर आ रहे हैं। एक एक सीट पर जद्दोजहद हो रही है, एक एक सीट पर घमासान हो रहा है। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की देश की राजनीति में कितनी अहम भूमिका है। हर एक सीट पर उतना ही संघर्ष, उतना ही आरोप प्रत्यारोप और प्रत्याशी घोषित करने के लिए उतनी ही जद्दोजहद। और ये स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश की चाहे लोकसभा की सीट हो और चाहे विधानसभा की सीट हो, हर सीट सभी पार्टियों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। बात हम कर रहे हैं इस समय मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव की, रामपुर के विधानसभा उपचुनाव की और खतौली के विधानसभा उपचुनाव की। तीनों स्थिति क्यों बनी ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रोढ़ा पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा की सीट खाली हुई थी और उस पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो वहीं रामपुर में हाल में ही 3 साल की सजा के बाद विधायक आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई और उसके बाद जो व्यवस्थाएं है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत वो सीट रिक्त कर दी गई। इसके बाद अगर हम बात खतौली की बात करें तो आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद, सीट रिक्त होने के बाद एक अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो गई थी और कई तरह के लेटर भी वायरल हुए थे, जिसमें एक पत्र भी वायरल हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के नाम लिखा गया था और ये लेटर लिखा था, ये पत्र लिखा था रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने। उन्होंने कहा था जो आजम खां की सदस्यता आपने रद्द कर दी है, उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, तो 11 अक्टूबर 2022 को कबाल कांड जो कि अगस्त 2013 में हुआ था उसके चलते खतौली से विधायक, भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई, वहाँ सीट जो है रिक्त घोषित क्यों नहीं की गई। उसके बाद इस मामले पे भी विपक्ष हमलावर रहा और इस पर भी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर सदस्यता भी रद्द की गई और सीट भी रिक्त की गई। उसके बाद शुरू हुआ चुनावी माहौल। माहौल इसलिए क्योंकि मैनपुरी में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर सपा द्वारा मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में उतारा गया, जो कन्नौज से सांसद भी रह चुकी है और कई समीकरण हैं उनके पक्ष में हैं, महिला उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद हैं, सपा के आधार प्रोढ़ा रहे मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, वो है सहानुभूति, जिनकी अभी हाल में निधन हुआ है, जिनका उनकी बहू है, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट का भी यहाँ पर लाभ मिलता है। जैसा कि अब मैं देखा कि लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ सीट पर जिस तरह से अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को जीत हासिल हुई, उन्होंने अपने पिता से भी अच्छे रिकॉर्ड मतों से सपा के विनय तिवारी को हराया, तो सहानुभूति वोट का भी एक यहाँ में रोल है, भूमिका है और होनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें तो हृदय से शुरू होती है और ईवीएम के बटन पर जाके ख़त्म होती है। जो हृदय को समझा लिया, मना लिया, जगह बना ली, उसी को जनाधार मिलता है और हम देखते चले आ रहे हैं। इसके अलावा अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में यहाँ पर जिस तरह से आसिम रजा को सपा ने उम्मीदवार बनाया है आजम खां की संस्तुति के बाद, उसके बाद आकाश सक्सेना को भाजपा ने उतारा है, जो कि कई मामलों में आजम खां के खिलाफ बादी भी हैं आकाश सक्सेना। और अगर खतौली की बात करें तो वहाँ पर सपा और रालोद ने सख्त उम्मीदवार उतारा है, उसका नाम है मदन भैया। तो वहीं भाजपा ने यहाँ पर विक्रम सिंह सैनी की धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पर इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सपा ने जो प्रचारक की लिस्ट जारी की है कल, उसमें उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को 7वां स्थान दिया है और जो एक मतभेद नजर आ रहे थे, तलखी नजर आ रही थी, उसको कम करने का प्रयास किया है।
तो शिवपाल सिंह यादव ने भी यहाँ पर डिम्पल यादव को समर्थन देने की बात कह दी है, पर समर्थन मिलेगा कैसे, क्या वो प्रचार करने जाएंगे, तमाम प्रश्न अभी भी बाकी है। और सुनने में ये भी सूत्र ये बताते हैं कल अखिलेश यादव भी शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। हमारे साथ शमसी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ भाई हमारी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव भाई प्रवक्ता सपा से अपना पक्ष रखेंगे, इसके अलावा प्रवक्ता रालोट से वेद प्रकाश मिश्रा भाई अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर अगर मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर सुभाषपा ने भी रमाकांत कश्यप को उतार कर जो समीकरण है उनको उलझाने का काम जरूर कर दिया है। आप सुभाषपा वाले बोलते जरूर है कि अब तो जीत रहे हैं, क्योंकि तमाम जो समीकरण है वो ये बताते हैं कि जिस उम्मीदवार को इन्होंने उतारा है वो इनके समीकरणों के हिसाब से वोट पाने में सक्षम है। खैर वो तो आने वाले समय में बताएगा। सब्जी भाई यहाँ पर जिस तरह से चुनाव हो रहा है और हम देख रहे हैं, मैंने अपनी बात में भी कहा कि उत्तर प्रदेश की एक एक सीट अहम हो गई है, चाहे उपचुनाव हो चाहे जनरली चुनाव हो, एक एक सीट अहम है। 40-40 प्रचारक लगते हैं, जद्दोजहर होती है, आरोप प्रत्यारोप दौर चलते हैं, ऐसा क्या है भाई? इसके लिए लगातार देख रहा है मैनपुरी में संघर्ष हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर प्रचारक की लिस्ट उतारी है, कैसे देखते बीजेपी को वहाँ तक रघुराज साग क्या कुछ कारनामा कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका और आपके चैनल का। आज के इस डिबेट में हम लोगों को मेहमान बुलाकर अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो जी उसको कभी हल्के में लेकर चुनाव नहीं लड़ती है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट जी, चाहे वो नगर निकाय की सीट हो, चाहे नगर पंचायत की सीट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। और इस बार भी हमारा मिशन इस चुनाव पे नहीं होता, हमारा मिशन हमेशा अगले चुनाव को देखकर होता है कि जो आने वाला चुनाव है, 2022 का भी चुनाव हुआ तो हमने 2024 के चुनाव को निगाह में रखकर प्रत्याशी उतारे और सरकार बनाई, मंत्री का जिस तरीके से समीकरण, मंत्रियों को जिस तरीके से बनाया गया जातिगत समीकरण के अंदर, तो उसमें भी 2024 को टारगेट करके किया गया। तो ये उपचुनाव जो आ रहा है इसमें हमारे वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए जिनकी जीत सुनिश्चित है, जिनको जनता ने कहा है, जिनका सर्वे, क्योंकि हमारी पार्टी किसी एक आदमी के कहने से नहीं चलती कि हमने जो फैसला कर लिया, हमारे जिलाध्यक्ष ने कह दिया तो हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया तो हो गया, मंत्री ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की कमेटी होती है, बाकायदा उसका मंथन किया जाता है, उसके बाद जनता का भी जो है एक बार जो है जनता के बीच में भी जाकर सर्वे कराकर जनता की भी मांग देखी जाती है कि कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए फायदेमंद है, कि अगर हम इसको मैदान में उतारेंगे तो उसका जो है तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमला करने के लिए तैयार रहता है। अच्छा। तो हम ऐसा किसी भी प्रत्याशी को हल्का प्रत्याशी बनाकर, डमी कैंडिडेट बनाकर उतारने का काम नहीं करते, हम हमेशा जिताऊ प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारते हैं। और आपने अभी कुछ दिनों पहले के जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे रामपुर का चुनाव हुआ हो, चाहे उसके बाद के भी जो चुनाव है, तो उसमें आपने हमारा देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बहुत मजबूत किला कहा जाता था आजमगढ़ और रामपुर में, कि वहां पर कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का साइकिल का निशान लेकर कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, चाहे वो उनके घर का नौकर ही क्यों ना हो। और यही किया था आजम खान ने जिद में अपने ही एक घर के कारिंदे को जो है, तो उन्होंने जिसका कोई राजनीतिक इतिहास भी नहीं था उसको पार्टी का उम्मीदवार बनाया और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को पूरी शक्ति और पूरे दलबल के साथ उतारा। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि आजमगढ़ में और रामपुर में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया और बहुत अच्छे मतों से लहराया। तो ये चीज़ें ये साफ साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करती है कि जो भी प्रत्याशी उतारें वो प्रत्याशी जनता के बीच का हो। चाहे आपने देखा हो कि कहने को समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ये तो हमारी पार्टी से गए हुए लोगों को उतारते हैं, तो हम भी यही पूछना चाहते हैं अगर वो आपकी पार्टी से हमारी पार्टी में आया है तो नाराज़ क्यों हुआ, क्या बात थी कि वो आपकी पार्टी में 200 साल से रहा और उसके बाद क्यों एकाएक जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें खेमे में आ गया। तो उसका बयान जब लेते हैं तो वो यही बताता है कि समाजवादी पार्टी कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी जब जनेश्वर मिश्रा मुलायम सिंह यादव के इशारे पर काम करती थी, जब उसमें नेता हुआ करते थे, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने बागडोर संभाली है समाजवादी पार्टी की, तब से सारे कार्यकर्ता आप देखिए धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी में जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।
ये शिवपाल सिंह यादव को प्रचारक बना दिया है। पहले अभी 3 उपचुनाव हुए थे, गोला गोकर्ण में हुआ था, रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था, वहाँ नहीं बनाए थे। देखिए अखिलेश यादव ने और उनके पिताजी ने हमारे ख्याल से कुछ उनके ऊपर इस तरीके से, मुलायम सिंह यादव ने हो सकता है कि लास्ट समय में कुछ कहा हो या उनके पारिवारिक कुछ रिश्ते इस तरीके के रहे हों कि हम उस पर जो है कमेंट करना नहीं चाहते कि वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन शिवपाल यादव चाहे स्टार प्रचारक बनकर उतर जाए चाहे उनकी तरफ से कोई भी उतर जाए, हमारे यहाँ पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और सारा दलबल, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे मंत्री जिस तरीके से वहां शाह के जी के नामांकन में मौजूद थे, तो ये बिल्कुल साफ नजर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर कहीं भी किसी भी तरीके का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी। यानी आपको कहना है कि रामपुर और आजमगढ़ का जो है वो प्रशासन दोहराएंगे आप? एकदम दोहराएंगे और उससे ज्यादा मतों से जीतने की हम कोशिश करेंगे। हमने प्रत्याशी ऐसा उतारा है कि जो समाजवादी पार्टी के सारे लूपहोल को जानता है, जो सारी कमजोरियों को जानता है। अच्छा। और आज देखिए उसने नामांकन के पहले जिस तरीके से अपनी श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर दिया, तो ये बिल्कुल साफ संकेत दे दिया कि उसने कि जो मुलायम सिंह के भी चहेते होंगे, जो मुलायम सिंह के भी साथ रहे होंगे, तो भी कहीं ना कहीं से शाह के जी के समर्थन में उतर कर आए हैं। और जो आज वहां पर भील थी, जो आज सैलाब था, उसने साफ संकेत दे दिया है कि राम ये जो मैनपुरी में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है, ठीक है। नितिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नितिन भाई अभी जुड़ नहीं पाए। बेद जी यहां पर तो अभिषेक चौधरी ने छोड़ दी है रालोद, भाजपा ज्वाइन कर ली है और सूत्र बताते हैं कि उनको टिकट नहीं दिया था, उनको आप बहला रहे थे 22 में भी टिकट नहीं दिया था, चले गए छोड़ के। आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा भाई? देखिए गौरव जी, अभिषेक जी के जाने से अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा, उनको संगठन में रहना चाहिए था, लेकिन चुनाव में कोई एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। अच्छा, और जो माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया जी कि मदन भैया को वहाँ से चुनाव हम लड़ाएंगे, अच्छा, वो 2 बार के विधायक हैं और संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो उनको टिकट दिया गया है और 100% ये तय है कि खतौली से राष्ट्रीय लोक दल चुनाव जीत करके आएगा। अच्छा, रही बात अभिषेक जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की जी, तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जी चलन है जी कि जब कभी कोई कार्यकर्ता जी किसी विरोधी दल से असंतुष्ट होता है, अच्छा, तो उसको तत्काल एडाप्ट करके और अपने संगठन में शामिल करके, अच्छा, ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं, अच्छा, उनका दल कमजोर हुआ है, अच्छा, और वो चुनाव में अब कमजोर पड़ गए हैं, अच्छा, और इनका जो नेता है वो मेरे साथ आ गया है। तो इस अभिषेक जी के जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे उसी कम्युनिटी के नेता हमारे साथ हैं जो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज हमने पर्चा दाखिल किया है। अच्छा, पर्चा दाखिला में जो जन सैलाब उमड़ा वो इस बात का प्रमाण है कि खतौली से राष्ट्रीय लोकदल चुनाव। सवाल रहेंगे मेरे आपसे पर जी, मिश्रा जी ये बताइए, आपने कहा कि चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ले लेते हैं, आप क्या नहीं आते क्या लोग? आप नहीं लेते क्या? भगा देते हैं उनको, नहीं आइए मेरे पास। ऐसा है, ये तो राजनीति है भाई, प्रदेश की देश की राजनीति है। चले जाते हैं, अब देखिए आप रघुवर सिंह साकू को देखिए, पहले सपा में थे, प्रसपा में थे, अब भाजपा में है, तो भाजपा मना कर देगी, नहीं आइए आप। ठीक बात है जी, हम तो चाहते हैं इस समय वेद प्रकाश जी भी आ जाएं। इस अच्छा, समय जी जब चुनावी माहौल है जी, और देखिए किसी भी दल में जी, चाहे हम हों जी या भाजपा हो या कोई भी पार्टियां जो जी सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में है, अच्छा, सभी के यहाँ टिकट बटने के दौरान कुछ न कुछ सहमति और असहमति होती है। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल ये मेरे यहाँ हुआ, सब जगह ये होता है। ठीक है, तो अगर ये सब जगह होता है बीजेपी पे आरोप लगाया आपने, तो बीजेपी पे मेरा आरोप इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में 70% से अधिक एडाप्टेड लोग हैं। अच्छा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को ये अभी कभी चुनाव नहीं लड़ाते। अच्छा, ठीक, ये केवल चुनाव लड़ाने के लिए बाहर से जो आयातित इनके लोग हैं, अच्छा, केवल ये उन्हीं को चुनाव लड़ाते हैं। अच्छा, इनका मूल कार्यकर्ता सदैव चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहता है। अच्छा, चुनावी प्रक्रिया में ये अपने कार्यकर्ता को शामिल नहीं करते। हम सदैव अतिथि देवो भव का पालन करते हैं। कौन सा पार्टी छोड़ के? मेरा कहना है अगर कार्यकर्ता संतुष्ट है तो पार्टी छोड़ के क्यों नहीं जाता भाई? पार्टी छोड़ करके क्या, इनके यहाँ से एक कार्यकर्ता गया है? अच्छा, इनके यहाँ एक लंबी फेरिस्त है। अच्छा, जो इनके संगठन से
कार्यकर्ता छोड़ करके आप बताइए, सीतापुर में साकेत मिश्रा इनके सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, इनके सबसे मजबूत पैनल थे वो, इन्होंने उनको टिकट नहीं दिया और आज वो अलग बैठे हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। क्या इस तरीके आप बताइए पश्चिम हिमाचल में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी का फोन गया है कि आप जो है इस सीट पर निर्दलीय पर्चा मत भरिए, आप संगठन का सहयोग करिए। तो ऐसा नहीं कि यह राष्ट्रीय लोक दल में ही हो रहा है, ये सब जगह होता है। अच्छी बात है ना, प्रधानमंत्री डायरेक्ट फोन कर रहा है, अच्छी बात है। नहीं तो क्या आप समझते हैं कि हमने अभिषेक जी से संपर्क नहीं किया? हमने भी अभिषेक जी से संपर्क किया और उनको यह समझाया कि आप संगठन में रहें, आने वाले समय में उपयुक्त समय पर आपको ठीक जगह पर समायोजित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन वो हम उनको समझाने में छोटा सवाल रहेगा, उसका जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि इस बार वहां पर जीत रहे हैं, जनसैलाब देखने को मिल रहा है, 22 का चुनाव अभी 6 महीने पहले ही हुआ है, 6-8 महीने पहले ही हुआ है, वहां पर आप हार गए थे, इस बार क्या आधार बनाए हैं? ऐसा क्या ऐसी क्या 6-8 महीने में से क्या परिवर्तन हो गया है कि आप अपनी जीत की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? ऐसा है कि जो चुनाव हुआ था जी, हम ठीक बात है, हमें जनादेश नहीं मिला, हम दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन इस दौरान हमने काम किया। अच्छा काम, और जो मुद्दे वहां पर काम हुआ है, जो मुद्दे वहां पर हैं, हम लगातार किसानों के बीच में हैं जी, हम लगातार जनता के संपर्क में हैं। देखिए अगर ये काम अभी कर रहे होते, एक मिनट, समाजवादी पार्टी के साथ ही ना रहे होते। देखिए बारी बारी बोलिए, बारी बोलिए। देखिए अब रही बात कि हमने लगातार काम किया है, अभी हमने पंचायत करके सरकार से ये जानना चाहा कि आप गन्ने का मूल्य क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। आज शमसी भाई बता दें कि गन्ने मूल्य क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। डीएपी कहाँ है, यूरिया कहाँ है, गड्ढा मुक्त अभियान का क्या हुआ? बढ़ गई डेट, बढ़ गई। गड्ढा मुक्त अभियान का क्या हुआ जी? गड्ढा मुक्त अभियान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनके निचले लेवल के अधिकारी से लगा करके मंत्री क्या कर रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सारी जिम्मेदारी केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है क्या? उनके लेवल पे, जो निचले लेवल पे इन्होंने अपना सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, एक्शन कहाँ है, यही कहाँ है, डीएम कहाँ है, कमिश्नर कहाँ है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इन बिंदुओं पर फ्लोर है जी। और इसलिए ये तय हुआ है जनता के बीच में अच्छा। कि इस बार हम विपक्ष को मजबूत करेंगे ताकि बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार से प्रश्न पूछे जा सके और सदन से लगा करके सड़क तक लड़ाई हो सके। एक बात और गौरव जी, जल्दी बोलिए, आप बताइए जी, सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं। अच्छा ठीक है, फिर ये धान खरीद केंद्रों में भ्रष्टाचार कौन कर रहा है जी? अगर सरकार इस भ्रष्टाचार को नहीं जान पा रही, जिनके पास एक डिसमिल जमीन नहीं उनका धान खरीदा जा रहा है, ठीक है, आप लगातार किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और किसानों की लड़ाई राष्ट्रीय लोक दल लड़ता है, माननीय जयंत चौधरी जी लड़ते हैं, इसलिए हर हालत में हम खतौली चुनाव जीत करके आएंगे, ये मेरा दावा। समझी भाई, जनता तय कर लिया है, बोल दिया बिल भाई ने, जनता ने तय कर लिया है, ठीक है। जनता तो 2022 में भी इनकी जनता इनके साथ थी, और उसके बाद जवाब लेता हूं कि जनता किसके साथ गई और जनता ने किसको समर्थन। 2022 में जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पूरा प्रदेश बैनामा कर दिया गया है, बैनामा कर दिया गया है। अब जनता ने बदलाव की बात है, जनता बदलाव चाहती है, विपक्ष मजबूत होगा, खतौली का चुनाव राष्ट्रीय। ठीक है, नितिन भाई जुड़ गए, नितिन भाई जुड़ गए, नितिन भाई भाई यहाँ पर बीर भाई ने सीधी सीधी बोल दिया कि खतौली की जनता बदलाव करने जा रही है और कह रही है, जनता के बीच बात भी हो गई है कि स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। मैनपुर में क्या स्थिति है, अब तो शिवपाल सिंह यादव भी स्टार प्रचारक बन गए हैं, हामी भी भर दी है, तो अब तो मेरे ख्याल से अब स्थिति बेहतर होगी और शायद रार भी खत्म हो जाएगी। पर बीजेपी के शमसी भाई बोल रहे हैं कि अब जीतने जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? ये शमसी भाई पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, उनको इसके अलावा वो बोल भी कह सकते हैं, ये उनको बोलना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैनपुरी, रामपुर, खतौली, इस बार तीनों सीटें हम और हमारे साथी जीतने जा रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से खतौली की चूंकि चर्चा हो रही थी जी, खतौली के जनता ने देखा कि वहां के विधायक किस तरीके से, उनकी क्या सेवाएं थी, क्यों वो निलंबित हुए हैं। अच्छा। तो जनता स्वाभाविक है काम करने वाले और मजबूत लोगों को जी मौका देगी। अच्छा। अब रही बात मैनपुरी की, मैनपुरी जो लगातार अभी तक विपक्ष
एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि परिवार में झगड़ा है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का विरोध रहेगा और उनके चेले राजनीति में आए हैं तो इस तरीके का माहौल बनेगा। लेकिन वो सारे गुब्बारे की हवा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक लिस्ट ने निकाल दी और अब इस तरीके की कोई विवाद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती थी। तो इस बार मैनपुरी के चुनाव में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सीटें ज्यादा दी जाएंगी और बड़ी बड़ी जीत होगी। ठीक है, आदरणीय डिंपल यादव जी की जीत, नेताजी की जीत से भी बड़ी जीत होने जा रही है। अच्छा, यह वहाँ के जनता, वहाँ के लोगों की जो रिपोर्ट है, हम लोग जो कि वहाँ गए चुनाव में, फिर जाएंगे दो दिन बाद, चूंकि अभी तक हम लोग नामांकन करके आए हैं, दो दिन तक रहे वहां, तो एक जो ग्राउंड की रिपोर्ट आई और सभी जाति सभी धर्मों के सभी मजहबों के लोग इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको एक कहावत इस देश में, कहावत का यथार्थ भी है, किसी व्यक्ति की कीमत तब पता चलती है जब वो व्यक्ति नहीं होता है। अच्छा, उसके किस्से, उसके कहानियां, उसके द्वारा किए गए काम लोगों को तब याद आते हैं, हमेशा कभी तब खलती जब वो व्यक्ति नहीं होता है। तो नेताजी ने जिस जो स्तर पर जा रहे हैं, अगर आजमगढ़ में और रामपुर पहले बना रही होते, गोला गोकर्णा ने पहले बना दी, हो सकता कि वहां भी परिणाम कुछ बेहतर हो जाते। भूल गए थे क्या बनाना? गौरव भाई, बीती थाए दुसार थे, आगे की सुध ले। अच्छा, बीत गया सो बीत गया। अच्छा ठीक है, चलिए बीत गया, जगो तभी आपके बारे में आता है, बीत गया, ठीक है, बीत गया, चलिए ठीक है, तो बीत गया, आगे भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये भी कन्फर्म नहीं है। ठीक है ठीक है, नहीं आगे बनाएंगे ही नहीं, अब वो हमारे परिवार का, पार्टी का एक हिस्सा बन, पार्टी का मार्गदर्शन करते हुए आगे सब लोग बताएंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है जयराम भाई, भैया ने तो अपनी घोषणा कर दी जीत की कि मैनपुरी में जीत रहे हैं, खतौली जीत रहे हैं, सुभाषपा कहाँ है? सुभाषपा जो वहां पे 18 लाख की जनता है जी के साथ। अच्छा ठीक है, और हमने गौरव भाई कई बार कहा है जी, सुभाषपा ना किसी को हरा रहे ना किसी को जिता रहे। क्या कर रही है सुभाषपा जो है जी? केवल केवल अपने उन वंचित समाज के लोगों को, वजूद को काउंटिंग कराना चाह रहे हैं। अच्छा, सामाजिक परिदृश्य से मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, पीछे आपके चैनल में बोला हूँ जी, आप किसी भी समय लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव को देख लीजिए जी, तो किसी भी प्रिंट टीवी मीडिया चैनल पे कहीं भी चल रहा है तो चार लोगों के वोट की चर्चा हो रही है। अच्छा, यादव इतना, ब्राह्मण इतना, शाक्य इतना, मुसलमान इतना जी, अब बताइए इनके चार के सिवा और वहाँ कोई नहीं है। देखो तो आप बताइए ना, हम तो सुनेंगे, तो ये समझ में आ, बताइए कितने वोट तो, जी जी बोलिए। अब देखिए कश्यप समाज जो है वहाँ बहुतायत भूमिका निभाता है, अच्छा, लेकिन कश्यप समाज की कहीं गिनती नहीं, न समाजवादी पार्टी करती, न भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, प्रजापति है, बंजारा है, बहलिया है, अरक है, अर्कवंशी है, धीमर है, बाथम है, तुरैया है, कहार है, और सबसे बड़ी बात चौहान विभाग है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को जो ताना बना है, जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि मेरी विरासत है जी, तो क्या ये जाति के लोग केवल जो है वोट बैंक की राजनीति हो गए हैं, केवल ये वोटें देते रहेंगे, इनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा वहां पे क्या? लोग आप करते रहे एक लिए उठा करके जी, आप करते रहे विधानसभा जी, आप प्रतिनिधित्व करने तो जा रहे हैं, आपने कहा तो रमाकांत कश्यप को उतारे हैं, जिताएंगे बिल्कुल, हमने वोट मिलेगा उनको, जीतेंगे, कश्यप को हमने उतारा है जी जी जी, हमने उतारा है जी जी, तो जीतने की स्थिति बन रही है, समाज की काउंटिंग करा के आपको, आपके जब 5 तारीख को 5 दिसंबर को वोट पड़ने के बाद भी हम बैठेंगे। अच्छा, और आपको बताएंगे कम से कम उस सामाजिक दृष्टि से जिन जाति के लोगों को ये लोग अभी अभी समाजवादी के लोगों से अगर पूछो भैया अर्कवंशी कौन है, पूछो तो इनको पता ही नहीं है, पता पता है, पता होगा भाई उनके वोटर को पता नहीं होगा, इतने भाई आपको नहीं पता अर्कवंशी कौन होते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ गौरव भाई सुनिए जी, सुनिए, जब हम लोग विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ थे 2022 में, अच्छा, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सुनील अर्कवंशी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जी, बिल्कुल, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी एक मंच पे आए जी, मऊ क्या नाम मऊ मऊ हल्दर में, अच्छा, उन्होंने पूछा कि राजभर जी बताइए अर्कवंशी कौन होता है, अच्छा, आप बताइए जो देश प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसे अर्कवंशी के बारे में ही ना बताओ, ये मैं सच्चाई से कह रहा हूँ,
अच्छा कहा था ऐसा? आप इस चीज को, आप इस चीज को पता कर सकते हैं? अच्छा, बिहार है, खंगार है, अच्छा अरक है, ये ऐसी कुछ जातियां जिनकी हर विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अच्छी खासी तादाद में वोट है, लेकिन इनकी कहीं गिनती नहीं है, शासन प्रशासन में इनकी जानकारी ही नहीं है, अच्छा, सांसदों में दर्द है, राजनीति में नेताओं को पता नहीं, मंत्री की सांसदों को विधायकों को पता नहीं है, अच्छा, और केवल वोट लेने के लिए उनके बीच में जाएंगे। हमारी विरासत इन जातियों की भूमिका बनानी पड़ेगी ना, जाति भूमिका बना, रमाकरण कश्यप जीत हुआ है वहां से, मैनपुरी से, तो भूमिका बन जाएगी अपने आप। हिंदू भारतीय समाज पार्टी, जी हिंदू भारतीय समाज पार्टी जी, जो 6 महीने वहां मेहनत करी है जी, इसीलिए हमने प्रत्याशी उतारा है। चलो ठीक, 6 महीने के रिजल्ट क्या हम देखेंगे तो सही? चलो ठीक, हमने समीकरण बिगाड़ेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इमरान भाई, भाई आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे, ठीक है, चूंकि सक्रिय तो है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात हो ही जाती है, लगातार सक्रिय बने हुए हैं, कैसे देखते हैं चुनाव को यहाँ पर, जिस तरह से सपा भाजपा और सपा मैदान में है, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, तैयारी की चलने भी आपकी भी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी किसी भी उपचुनाव में अभी तक शामिल नहीं हुई है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी चूंकि बिजली फ्री देने के लिए, पानी फ्री देने के लिए, अच्छे स्कूल अस्पताल बनाने की पार्टी है, तो हम लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और दिल्ली में चुनाव लड़े, पंजाब में लड़े, सरकार बनाई, गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, गुजरात, हाँ उत्तर प्रदेश में कुछ कमी नकार दी, जनता ने सिरे से नकार दिया, बिल्कुल जनता ने नकार दिया, और हमने इस हार को स्वीकार भी किया, और अब गुजरात पे हमारा फोकस है, गुजरात हम जीतने जा रहे हैं, वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो अभी कुछ दिनों बाद नगर निकाय के चुनाव होंगे, और नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो साफ सफाई का चुनाव होता है, और हम लोग झाड़ू वाले लोग हैं, तो नगर निकायों में झाड़ू चलाने का काम पूरी तेजी के साथ करेंगे, साफ करने जा रहे हैं जी। उसके अलावा दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, वहां भी झाड़ू कस के चल रही है। तो जहां जहां आम आदमी पार्टी फोकस करती है, क्योंकि देखिए हम लोग कोई कमीशन खोरी तो करते नहीं है, बंदर बात तो करते नहीं है, मैं बता रहा हूँ तथ्यों के साथ बात करता हूँ सर। तो अब एक मंत्री जी थे, मंत्री जी हैं, थे क्या, डॉक्टर जी एस धर्मेश साहब, एक मंत्री जी हैं उदयभान चौधरी, उदयभान सिंह जी द्वारा, दोनों लोगों ने लेटर निकाला था अपना कुछ दिन पहले, उन्होंने आगरा में बताया था कि कैसे कमीशन खोरी हो रही है। एक वहां उनके विधायक हैं जगन गर्ग जी, उन्होंने बताया था जब तक 27% कमीशन ना दीजिए मेरठ, वो आगरा के नगर निगम में, तब तक किसी ठेकेदार का टेंडर नहीं पास होता, वो बेचारा काम नहीं करा सकता। तो ये जो 27% 30% 40% की कमीशन खोरी का खेल है, ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती, इस वजह से उसके पास जो है संसाधनों की कमी रहती है, जो है पैसों की कमी रहती है, हम लोग सिर्फ जनता से चंदा लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो अब जहां जहां लोग हमको दावत देते हैं चुनाव लड़ने की, वहां हम जाते हैं और जनता के धन से, जनता के मन से, जनता के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने विधानसभा के चुनाव में हमको वोट नहीं किया था, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। जब हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे तो मैं खुद भी प्रत्याशी रहा, जनता ने यही कहा आप लोग अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, आपकी जरूरत है राजनीति में, लेकिन अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी घाक पार्टी सत्ता में है और इसको हटाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल जनता ऐसे ही कह रही थी, और समाजवादी पार्टी जो है इसको हटा सकती है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सबने मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ जोर लगाया, हालांकि वो भी निकम में निकले, तो जनता ने यह बात कही थी कि यह विधानसभा चुनाव जाने दीजिए, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, और आज वो बात दिख रही है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और आने वाले उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में जो नगर निकाय, चाहे वो नगर निगम की बात कर लीजिए, चाहे वो नगर पालिकाओं की बात कर लीजिए, चाहे नगर पंचायतों की बात कर लीजिए, सारी की सारी जो कार्यालय हैं वो आज भ्रष्टाचार का, कमीशन खोरी का, बंदर बांध का अड्डा बन चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की पहचान यह है भाई, ये रिश्वत खोरी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, कमीशन खोरी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम का चुनाव होगा, जो नगर निकाय का चुनाव होगा, उसमें आम आदमी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही होगी। आज भी आप देख लीजिए तैयारियों के मामले में, आज 3 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक लगातार आम आदमी पार्टी ने पदयात्राएं निकाली सारी नगर निकायों में, सारे वार्डो में। दूसरी कोई पार्टी अगर इस तरह से तैयारी कर रहा हो भाजपा के अलावा, तो आप मुझे बता दीजिए। तो भाजपा को अगर हर तरीके से रणनीतिक तौर पर जमीन में, सदन में, मीडिया प्लेटफॉर्म पे,
है, अगर चुनौती देने का काम कर रही है तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। आप किसकी पार्टी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, पार्टी चुनाव लड़ तो रही है भाई। मैं नगर निकाय में कितनी तैयारियां हैं, कैसे लड़ रही है, सब देखा जा रहा है। और अभी उपचुनाव के परिणाम आएंगे, हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, देखते हैं क्या परिणाम आता है। जनता खुद सबसे बड़ी अदालत, जनता की, जनता फैसला लेगी। लेकिन कुल मिला के मैं स्पष्ट बता दूं कि नगर निकाय का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है, वहां पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगी, क्योंकि ये साफ सफाई का चुनाव है और आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर आ रही है। नितिन भाई, लड़ाई में नहीं है इस बार, आप हमारी पार्टी आपसे आगे बढ़ी है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो हमें सर्टिफिकेट दे दिया ना, हाँ। कि हम तो निकम्मे लोग हैं। अच्छा, इन्होंने तो बता दिया ना इमरान लतीफ ने कि तैयारी पार्टी के साथ जनता जी की, इन्होंने बता दिया तो ठीक है, अब जनता है इनको जवाब दे देगी। इमरान आजमगढ़ में जवाब दिया जनता। इमरान भाई जी, एक सलाह है जी, कि भाषा पर कंट्रोल करो। यही अरविंद केजरीवाल हैं, आदरणीय अखिलेश यादव के चरण पकड़ने आए थे दिल्ली में, आप चुनाव मत लड़िए वरना हमारी लुटिया डूब जाएगी, इसलिए भाषा पर कंट्रोल जो अपना बचा नहीं पाया, जिसको बाप दादाओं ने मिलके बनाया था वो तो लुटा ही दिया। ऐसे अखिलेश यादव की बात आप कर रहे हैं? अरे तुम उड़ा रहे हैं भाई, उस नेता का माननीय नेताजी ने जिस आजमगढ़ को खड़ा किया था उसको तो ढहा दिया आपके नेता ने। तो दिल्ली की सरकार ने पहले बड़ी मुश्किल से, मैं कुछ नहीं कहूंगा, विधायक जेल गए थे, मनीष सिसोदिया की सफाई देते नहीं बन पा रही है। अच्छा, तो आप बता दीजिए क्या मनीष सिसोदिया क्या मतलब भ्रष्टाचारी, आप बता दीजिए जरा सा। मुझे तुमसे मुंह लगना पड़े, थे बहुत छोटे लोग हो। अरे नितेंद्र भाई बता दो दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कौन है, कहाँ है आप, बचे कहाँ भैया? दो राज्यों की सरकार है, तीसरे बनाने जा रहे हैं, छोटे कहाँ के लायक रह गए हो? अरे कहाँ लायक, आजमगढ़ तो जीत नहीं पाए और आम आदमी पार्टी का मुकाबला करोगे? शर्म नहीं आती है आपको? आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने लायक बचे हो? राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही इस चुनाव के बाद, और आप अरे अरे यार, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कौन सा मुकाबला है? आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे हो और हम पूरी दुनिया फतेह करते जा रहे हैं, आप हमारा मुकाबला करेंगे? हाँ भाई, आप अपना घर नहीं बचा पा रहे हो, आजमगढ़ में हार गए, शर्म कर रहे हो, रामपुर में हार गए, अब आप बचा क्या है आपके पास, बचा क्या है आपके पास? आज भी अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हो, माननीय नेताजी की राख के नाम पर वोट मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? अपने काम के दम पर नहीं, जो काम नहीं करोगे तो भाई निकम्मे कह रहे हो, जनता भी निकम्मा कह रही है। आज जिस जनता ने आपको वोट किया वही निकम्मा कह रही है? हम हमारे कहने से क्या होता है? हम तो आम आदमी है, जो जनता की आवाज होती है उसको उठाते हैं। आज मैं कुछ दूसरे मूड में हूँ, मैं केसी त्यागी, इनको केसी जय नहीं बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, केसी बनाना नहीं चाह रहा है, रोज की बातें ठीक नहीं, ठीक है, इनसे कहो कि बस भाषा भाषा पर कंट्रोल रखिए। इमरान भाई कह रहे हैं बना नहीं पाएंगे, आप बोलिए दिल खोल के। इमरान भाई कह रहे हैं बना नहीं पाएंगे, खोल के बोलिए। आजमगढ़ में क्या हाल हुई पहले उसको देख लीजिए, रामपुर आपका गढ़ उसकी हालत देख लीजिए, मैनपुरी हमारी क्या है, मैनपुरी सर पे है पहले उसको देख लीजिए, और सबसे बड़ा काम तो ये कर लीजिए कि अपने नेता से बोलिए कि अब ऐसी तो खैर ऐसी क्या ब्लोअर वाला दिन आया है, आप ऐसी और ब्लोअर से बाहर निकले तब तक बात करें। एक हमारी पार्टी का नेता है जो गुजरात, हिमाचल और दिल्ली और पूरी दुनिया एक ही हुए, और एक आपका नेता जो लखनऊ छोड़ नहीं पा रहे, मुकाबला करेंगे अरविंद केजरीवाल के दल के सामने। अखिलेश यादव की हैसियत क्या है आप बताइए? आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता के सामने समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है? जो पार्टी एक राज्य में अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही है, जो पार्टी अपने गढ़ में अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही है, जो पार्टी अपने घर में अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रही है, वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर रही है, वो उस पार्टी का मुकाबला कर रही है कि जिस नेता से, जिस पार्टी से आप लड़ते हैं उसके नाक में नकेल करने का काम आम आदमी पार्टी ने कर रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता था गुजरात, वहां पर उनको हमने गिरेबान पकड़ के रखा है, आज उनको नाक में नकेल लगाने का काम किया है, आज नींद नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आज और कल, अभी 17 तारीख नामांकन की लास्ट डेट है, अरविंद केजरीवाल से कह देना जाके दिल्ली वाले, खांसी वाले से खुद लड़ने चुनाव करके, उसको हैसियत बताऊंगा। बेचैनी बता रही है, भाषा बता रही है, भाषा बता रहे हैं, गुजरात के बाद आ रहे हैं उत्तर प्रदेश,
नगर निकाय में बता तो रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ नगर निकाय में, आओ गलियों में मुकाबला कर रहे हैं ना, घूम तो रहा हूँ गली गली घूम रहे हो, मुकाबला करो नगर निकाय का, अरे एक दो सीटों की बात करते हो, आओ नगर निकाय में लड़ लो। आजमगढ़ में देखा क्या हुआ आपका, रामपुर में देखा क्या हुआ आपका, अब देखेंगे आगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप खड़ा रहिए। ठीक है ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, ऐसे तो लड़के दिखाओ ना। हो गया हो गया हो गया, ठीक है, अरे गुजरात के लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की भी टीम हो, पूछ लो पहले भैया, अच्छा कुछ भी बोल जाओगे आके टीवी पे, अपने पूछ तो लेते क्या बोलना है, पार्टी की लाइन तो समझ लो यार नितेंद्र भाई जी, कुछ भी बोल जाएंगे, हमें लाइन पता है, अरे पता हो तो देख रहा हूँ कितना पता है भाई, पहले आजमगढ़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए, आजमगढ़ में कैसी बात कर रहे हैं जी, आजमगढ़ की तैयार की थी और कोई और हथियार के ले गया, उस बेटे को क्या कहेंगे भैया, अरे ऐसे बेटे को क्या कहेंगे, बाप की जमीन पे दूसरे लोग आके कब्जा कर ले भैया, उसको क्या कहेंगे ऐसे बेटे को, पूछिएगा उत्तर प्रदेश में जाके जहाँ के रहने वाले होंगे आप, उस गांव के लोगों से पूछिएगा, एक जमीन बाप ने बड़ी मेहनत से तैयार की और बेटे के रहते हुए दूसरे लोग आके कब्जा कर लिया, ऐसे बेटे को क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे आप बताइए जरा सा हमको, अपने लोगों से पूछिएगा नितेंद्र भैया। अब मुझे लग रहा है इमरान को इमरान की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, अब अपनी हैसियत भूल करके बात कर रहे हैं जी, बोले, ये अपनी हैसियत भूल गए, अरे हमारी हैसियत आपके बस की बात नहीं है, गुंडागर्दी मत करना, बता दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी है, जवाब देना चाहते तो ठीक करते, सरकार है, चार राज्यों में पार्टी विधानसभा रही है, गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ठीक है ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो गया हो गया, सुशील लाल यादव नाम लाने जा रही है, अच्छा मंत्री रहे, हो गया हो गया हो गया, चलिए हो गया हो गया, समझी भाई जी, यहाँ पर भाई आप वेद प्रकाश भाई तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता से बात भी हो गई है, आपने जनता से बात नहीं की क्या? वेद प्रकाश जी हो चाहे अभी हमारे नितेंद्र भाई बोल रहे थे, हाँ। आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई भी हैं इमरान साहब बोल रहे थे, देखिए ये इन्हीं लोगों की लड़ाई की वजह से अच्छा। हमारी स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत है, अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है कि जिस पर कोई आरोप नहीं है, जिस पर कोई लांछन का दाग नहीं है, जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, वहां की जनता खुद कह रही है कि मैनपुरी में जो है इस बार बहुत अच्छा प्रत्याशी आया है और मैनपुरी जो है विकास के नक्शे से बिल्कुल से उत्तर प्रदेश से एकदम से समाप्त हो गया था, तो दोबारा से वहां की जनता चाहती है कि विकास विकास नहीं हो पा रहा था ना वहाँ के, भाई सांसद थे दूसरी पार्टी के लोग, सांसद अरे भाई सरकार हमारी, लेकिन जहाँ का सांसद विधायक दूसरी पार्टी का होता ये है वो काम ही नहीं करना चाहता, नितेंद्र जी नितेंद्र जी मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ मैं बात बोल रहा हूँ तो चुपचाप से सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा जितना आपके पास में रहेगा, तो वहाँ पर जनता ये देख रही है कि किस तरीके से मैनपुरी में जनता जो है पिछड़ती चली जा रही है, वो देख रही है कि बनारस का विकास कैसे किस तरीके से हो रहा है, वो देख रही है कि प्रयागराज का विकास किस तरीके से हो रहा है, वो देख रही है अयोध्या किस तरीके से हो रहा है, मथुरा में हो रहा है किस तरीके से, तो सारे प्रदेशों में सारे जिलों में विकास हो रहा है, मैनपुरी में क्यों नहीं विकास हो पा रहा है, तो यही मौका मिला, देखिए हमारे जो है बड़े नेता कह जाते थे और उनका सभी दल वाले समर्थन करते थे, मुलायम सिंह यादव जी का हम लोग भी उनका समर्थन करते थे, हमारी पार्टी के सारे बड़े नेता उनका समर्थन करते थे, और आज यही बात हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे कोई भी बड़ा नेता वहां पर जाकर प्रचार नहीं कर
प्रचार नहीं कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उनके सम्मान के लिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीट खरीद लिया था, ऐसा नहीं था कि, और आपने देखा आपने देखा भी कि उनके जिंदा रहते ही हमने किस तरीके से आजमगढ़, वो भी उनकी पारिवारिक सीट थी, घर था, किला था, सब कुछ था उनका, पूरा सम्मान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। रामपुर में आ जाइए, आजम खान की जो निष्ठा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। मैनपुरी में सिर्फ ये था कि नेताजी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नॉर्मल रहती थी, ऐसा नहीं लगती थी कि डमी कैंडिडेट उतारती थी या बिकाऊ, बस यह है कि उसको पूरी तरीके से सीरियस लेके नहीं लड़ती थी। लेकिन हुआ ये, अब आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो हर बार विकास 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 का नारा दे रही, तो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि मुलायम सिंह यादव की राख का सौदा किया जा रहा है वहां पर, और जहां पर भी ये लोग जा रहे हैं प्रत्याशी, जहां पर भी जा रहे हैं सिर्फ एक बात कह रहे हैं, नेताजी को श्रद्धांजलि देना है, नेताजी को श्रद्धांजलि देना है, नेताजी को श्रद्धांजलि देना है, नेताजी की बहू आ गई, नेताजी का घर आ गया, मान सम्मान, मतलब विकास के नाम पर नहीं हो रहा है। अच्छा, कि हमने जो पिछली बार विकास किया था सरकार में उसके नाम पर, या हमारी सरकार थी उसके नाम पर, ऐसा कहीं पर भी अभी तक कोई भी शब्द जवाब दे ले। नितिन भाई क्या कह रहे हैं भाई, आप सहानुभूति के नाम पर वोट मांग रहे हैं? देखिए सहानुभूति तो मौजूदा समय में है, नेताजी अभी 10 तारीख अभी कितना समय हुआ है, तो हम लोग तो अभी दुख में हैं, हम इस बात को भुला नहीं सकते हैं, लेकिन नेताजी ने जो वास्तव में वहां काम किया है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सरकार में रहते मुख्यमंत्री रहते जो वहां पर काम किया है वो वहां की जनता देख रही है। अच्छा, वहां तो इतिहास में तो उस दिन था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क की चर्चा कर रहे थे कि उसको पीडब्ल्यूडी ने नहीं, नेताजी ने यूपी ब्रिज कारपोरेशन से बनवाया था, और इतने साल हो गए उस सड़क को बने हुए, वो उदाहरण बनती है कि उस पर आज तक एक गड्ढा नहीं हुआ, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सड़क आज बनती है और दूसरे दिन उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, एक पुल बनाते हैं एक सप्ताह में वो गिर पड़ता है, वो एक एक्सप्रेस वे बनाते हैं और उद्घाटन के 3 दिन बाद उसमें गाड़ी घुस जाए, इससे बराबर बराबर गड्ढे हो जाते हैं। काम के नाम पर वोट कब तक मांगते रहेंगे? कुछ अखिलेश यादव के नाम पर भी वोट मांगने की बात कहीं पर होगी? डिंपल भाभी के नाम पर भी वोट मांगेंगे आप? रामगोपाल यादव के नाम पर वोट मांगेंगे? ये कौन बोल रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा जरा। नहीं, आप यादव बोलना बीजेपी से। समाजवादी पार्टी की आंखें अब जनता को नहीं देख पा रही, एकदम सही बात है। अच्छा। इसी वजह से जो है अंधों पर अब जनता विश्वास नहीं कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की आंख खुली हुई है, स्टूडियो में बैठ कर लफाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंख खुली हुई है, इसीलिए वो जनता को दिखाई देती है। अभी आपने खुली अपनी आंखों का बता दिया कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है आजाद तुम्हारे जैसे बेवकूफ प्रवक्ता होते हैं जिनको इतना भी कॉमन सेंस नहीं, स्टूडियो में बैठ के लफाजी कर रहे हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जब चैनल पे बैठता हूं तो शब्दों को बहुत संभाल कर बोलता हूं, आप पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द ना निकालिए, ऐसा कोई शब्द ना निकालिए जिससे समाजवादी पार्टी पे उंगली उठाई जाए, तड़ा करके अपनी जाहिलियत का सबूत न दीजिए, तथ्यों पर बात करिए, तथ्यों पर बात करिए, सबूत पर बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। कितने सांसद तुम्हारे हैं बता दो, ये तुम्हें इतनी कितने सांसद हैं, कितने सांसद हैं याद है, कितने सांसद बचे हैं बता सकते हो? अरे तुम्हारा तो पूरा ईरान से तुरान तक पूरा देश भर में कब्जा है, तो जनता जवाब दे देगी। वही पार्टी है, वही बात करो, नहीं जब बात करने वही पार्टी है, नहीं जानकारी है, नहीं दो सांसद नहीं थे, बात करने से कोई मतलब नहीं है। नेशनल चैनल पर आप बैठे हैं, अपनी अज्ञानता का सबूत न दे, जो यहाँ बात अपनी अज्ञानता का सबूत मत दो, भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है अगर कोई मूल मंत्र है, आपके पास जीतने का कोई मूल मंत्र है तो बताइए कि आप क्या चीज लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको अपने और आपने खुद ही कह दिया कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो किसी के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। मुझे पता है, मुझे पता है ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कभी दो सांसद भी नहीं रहे। अच्छा, जब पार्टी बनती है तो दो ही एक सांसद तो बनते हैं, आपकी पार्टी 100 सांसद लेके आई थी क्या? 100 सांसद पहली बार में आपके बन गए थे? हाँ, 39 सांसद रहे। अरे आज 8 साल, आज 12 से सरकार है ना, हमारे इतिहास पे मत जाओ, 12 से सरकार है, 1992 भाजपा के पता है, 1992 से बने थे, जितने कार्यकर्ता ने उससे ज्यादा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, इसके बाद आदरणीय अखिलेश समाजवादी पार्टी में जितने कार्यकर्ता नहीं है उससे ज्यादा सांसद है भाजपा के पास, कहाँ बात करोगे? पहले तक विपक्ष तक की हैसियत में नहीं थे। अरे आप सो जाइए, 8 तारीख कल्याण सिंह जी ये प्रमुख मंत्री बने, राजनाथ
शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके बाद 20 साल विपक्ष में आने की हैसियत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है नींद की दवा खाकर सोइए, 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तब आपकी आंख खुलेगी। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने बता भी दिया। चलिए भारतीय जनता पार्टी के नशे में आप रहिए और नशे में आप अनाप शनाप सत्ता का नशा नहीं है, हमको जनता का जो समर्थन मिला है उसका नशा है। सत्ता के नशे में जनता ने जो हमारे पर विश्वास किया उसका नशा है, हमने प्रदेश में जो काम किया उसका नशा है, तब हम बोल रहे हैं। क्योंकि आपने अभी का उपचुनाव जीता है, अभी उपचुनाव जीता है, बहुत ज्यादा जो नहीं हुआ गोला गोकरना था, उसके पहले रामपुर और राधवगढ़ का चुनाव जीता है। आप तो लगातार जब भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बागडोर जिम्मेदारी संभाले, लगातार छठवा चुनाव हार चुके हैं और जो सातवां चुनाव उनके उसमें होने जा रहा है, ये भी चुनाव अखिलेश यादव हार जाएंगे, ये समझ लीजिए। अखिलेश यादव जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, अगर जीते हो तो भविष्यवक्ता हो, भविष्यवक्ता हो, बिल्कुल ठीक बात है आपकी भविष्यवाणी, ठीक है। आप बताएं ना, आप भविष्यवक्ता हो, 2012 के बाद कौन सा चुनाव जीते अखिलेश यादव? 2012 के बाद से और 12 में भी माननीय मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर समाजवादी पार्टी जीती थी। अखिलेश यादव के पास जब से सत्ता आई है तब से उत्तर प्रदेश में 5 साल जो अराजकता का प्रदेश का माहौल रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने यह फैसला ले लिया है कि हम मतदान नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कितने साल तक उत्तर प्रदेश से गायब थे? कल्याण सिंह जी के बाद उत्तर प्रदेश से कितने साल तक गायब थे? अरे अभी की बात कहां चली गई थी भारतीय जनता पार्टी? अभी दोबारा बनी है सरकार जी, अभी तो दोबारा बनी है समाजवादी की पार्टी, लगातार दो बार जीत गए थे इतने सालों तक जी। ठीक है, जनता है समय समय पर बदलाव करती है। बीर भाई की बात, ये किसी की लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सत्ता किसी की बकौती नहीं होती, समय समय पर बदलाव करती है। कितना बड़ा है रालोट की क्या स्थिति है भाई? आपने मदन भैया को उतार दिया वहां पर, घोषणा भी कर दी जीतने वाले हैं भाई। गौरव जी जी समझी भाई बोल रहे हैं, सपने आप लोगों के, ठीक बात है, वो उनको बोलना भी चाहिए और पूरा पूरा अधिकार है, हमारे भाई हैं। अच्छा, और वर्तमान में सत्ता में हैं। अच्छा, और हमारा उनका चुनाव, हमारा उनका चुनाव है तो कटाक्ष तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हम जनता के बीच में गए हैं तो उसमें कुछ मूल बिंदु हैं। अच्छा, जिनका भी जवाब शमसी भाई से हम चाहेंगे। अच्छा, पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव था। अच्छा, ठीक। 26 सितंबर को गन्ने का मूल्य घोषित हो गया था। ठीक है, इस वर्ष गन्ने का मूल्य घोषित अब तक क्यों नहीं हुआ? सरकार इसका जवाब दे। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने भी इसका जवाब मांगा है और आज इस चैनल के माध्यम से हम आपके माध्यम से भी ये जवाब चाहते हैं कि सरकार बताए कि हम गन्ने का मूल्य घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। जो किसान गन्ना बेच रहे हैं उनकी पर्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मूल्य इंद्राज नहीं है, ठीक, नंबर एक। दूसरा बिंदु, वर्तमान समय में प्रदेश में डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं है और किसान दर दर भटक रहा है। हम इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में गए हैं। अच्छा, हम किसानों के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं जी। हम जातिगत समीकरण या धार्मिक उन्माद के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। अच्छा, हमको गन्ने का भुगतान चाहिए। अच्छा, हमको गन्ने का मूल्य चाहिए भाई। हमको डीएपी चाहिए। आप लोग सरकार द्वारा कहे गए जी अपने घोषणा पत्र में जी कि किसानों को हम फ्री बिजली देंगे। अच्छा, हमें वो बिजली चाहिए। यद्यपि विधानसभा में सरकार ने इनकार किया है कि हमारे पास किसानों को फ्री बिजली देने की कोई योजना नहीं है। अच्छा, तो ये किसानों के साथ छलावा है, ठीक, किसानों को गुमराह करने जैसी स्थिति है वोट हासिल करने के लिए। सरकार ये बताए, शमसी भाई आज बताएं इस चैनल के माध्यम से जनता को कि हम फ्री बिजली देंगे, गन्ने का मूल्य घोषित करेंगे, डीएपी खाद उपलब्ध कराएंगे, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हो। बाकी तो चर्चाएं हम रोज बैठते हैं, रोज चर्चा करते रहेंगे। अच्छा, आज तो चर्चा हो रही है चुनाव पर। अच्छा, तो ये बिंदु कहाँ है? सरकार इन बिंदुओं का जवाब क्यों नहीं दे? समझी भाई, पत्र मिलता है आप लोगों को, ज्ञापन मिलता है, ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ रहे बता दीजिए भाई, डिबेट के माध्यम से बता दीजिए, सड़कों पर तो कोई उतरना चाहता नहीं है। किसानों की बात अगर की जाए तो आपने देखा होगा कि पश्चिम में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, ये सबको लग रहा था कि किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पूरी तरीके से उसको मासूम किसान, बेजुबान किसान जो था उसको किस तरीके से उत्तेजित किया गया, किस तरीके से उसको हिंसक बनाया गया, और ये किसने बनाया? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने मिलकर किस तरीके से किसानों को पुशअप करके उनको इस तरीके से किया कि उन्होंने
हत्याएं तक कर दी, उसके बाद किस तरीके से लाल किले पर हमला किया, कहां कहां क्या क्या किया, सब बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद भी जहां राष्ट्र धर्म की बात आई, जहां एकता की बात आई, जहां धर्म निरपेक्षता की बात आई, जहां प्रदेश में अमन चैन की बात आई, जहां प्रदेश के अमन चैन और विकास की बात आई, वहां किसानों ने भी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और इस बार भी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देखेंगे कि फिर वेद प्रकाश जी का दावा किस तरीके से खोखला साबित होगा। एक सीट पर इतना इनका भाषण चल रहा है, एक सीट पर इनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और उनका कितना, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का कद बढ़ रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद ही उनके कद को कम किया। और जब पूर्वांचल में सुन लीजिए, जब पूर्वांचल में चुनाव आया तो कहीं पर भी अखिलेश यादव जयंत चौधरी को लेकर नहीं गए। यही हाल ओम प्रकाश राजभर के साथ किया कि जब वहां पर देखा कि उनका कद बढ़ रहा है, तो अखिलेश यादव ने खुद ही अपने गठबंधन दल के सभी नेताओं को किस तरीके से निम्न स्तर पर लाकर छोड़ा है। अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे 2024 आते आते आप खुद देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह जा रहा हूं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर जनता को विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जरूरी है। देखिए शमशी भाई कह रहे हैं कि एक जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम तीन जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, ठीक, तो एक तो ये बात पर मुझे घोर आपत्ति है कि एक जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तीन जगह चुनाव लड़ रहे हैं। कहा है भाई, नहीं जगह की बात, आपको इसमें संशोधन करना चाहिए। मैनपुरी में अगर आपने कहा हो भाई चैनल के माध्यम से ऑन एयर है कि मैनपुरी की बात एक बार भी किया हो तो आप बताइए। चूंकि खतौली की चर्चा हो रही थी तो हमने खतौली का नाम लिया, और रामपुर, खतौली और मैनपुरी, तीन जगह हमारा गठबंधन है, हमारे तीन प्रत्याशी मैदान में है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम केवल खतौली की बात नहीं करते। रही बात, इन्होंने कहा कि किसान गुमराह किया गया और किसानों ने आंदोलन किया, लोगों की मौतें हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को नीलाम करने के लिए जो कानून बनाए थे उनको सरकार कहती थी कि ये बहुत अच्छा कानून तो है, चर्चा क्यों हो रही भाई, अच्छा कानून है जी। लेकिन जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वही तीनों कानून वापस लिए, तो आप ये बताएं कि अगर वो अच्छा कानून था तो उस फिर कानून को आपने वापस क्यों ले लिया, उस कच्चे कानून को आप डिफाइन क्यों नहीं कर पाए, किसान को समझाने में आप कामयाब क्यों रहे। आप कह रहे हैं दंगा जी, दंगा मतलब किसानों को आप झंडा नहीं फहराने देंगे, जिन किसानों के बदौलत जिन किसानों के बदौलत रोजी रोटी चलती है, उन किसानों के लिए आपने सीमा के ऊपर बड़े बड़े किले और बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए, आपने बिजली काट दी, आपने पानी काट दिया, 14 बार आपने वार्ता की, 750 किसानों की मौत हुई। आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने या किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के किसानों का नाम एक, है आपके पास एक संवेदना नहीं व्यक्ति, अगर आप चाहेंगे तो एक एक किसान का नाम और पता और फोटो सहित आपके घर भेज देंगे, आप अपना एड्रेस हमको भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं, हम किसानों पे बात करते हैं, किसानों पे काम करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के तरीके की बात करते हैं। पूछना चाहूंगा कि क्या अखिलेश यादव, क्या इनके जयंत चौधरी किसी एक किसान के यहाँ गए, ये बता दें, एक किसान नहीं 700 किसानों की बात करने के लिए, जब आप एक किसान का नाम लेके भाई बता दें, जब आपके मंत्री के बेटे ने ये बात आपकी साजिश की करके चार किसानों को मौत के घाट उतारा था, उस समय जयंत चौधरी 35 किलोमीटर पैदल चल के 1 बजे रात को पलिया पहुंच गए थे। आपने तो संवेदना नहीं व्यक्त की, आंदोलन में जो 700 किसान मरे थे उसमें किसी के से कुचलने का काम करते हैं, और कुचलने वाला जो व्यक्ति किसान विरोधी राजनीति करते हैं, आप तो किसान विरोधी व्यवस्था बूट कैसे मिलता है, ठीक है चलो ठीक हो गया नितिन भाई, जयराम भाई भी कुछ कह रहे थे भाई, जयराम भाई बोल रहा है कि हम भी वहाँ पर मैदान में हैं और वहाँ पर समीकरण आप लोग नाग बोल रहे थे ना, अर्कवंशी जानते हैं, अखिलेश यादव उनसे ओम प्रकाश राजभर से बोले थे, ये अर्कवंशी कौन होता है भाई, आपको पता नहीं क्या अर्कवंशी? मुझे तो पता है, इनको नहीं पता क्या? अब दयाराम जी को नहीं पता रहा होगा, दयाराम जी हो सकता है वहाँ खड़े रहे हो जिससे पूछ रहे हो। अच्छा, मुझे तो अच्छी तरीके से पता है, सीधी बात बोलिए। और रही बात
रही बात आम भाजपा की, लेकिन कल ही आपके साथ डिबेट में था तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहली बार चुनाव लड़ा जाता है हारने के लिए, दूसरी बार लड़ा जाता है हराने के लिए, और तीसरी बार लड़ा जाता है जीतने के लिए। तो अभी उनमें क्या चर्चा करना है? अभी वो हारने के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, उन पर क्यों वहां पे टिप्पणी करवाना चाहते? भाजपा के प्रवक्ता ने खुद कहा था चैनल पर बैठ करके कि पहली बार चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए लड़ा जाता है। तो अभी वो पहली बार लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दीजिए, उन पर कोई टिप्पणी मत कराइए। मेरी लड़ाई चूंकि भारतीय जनता पार्टी से है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्यों नहीं लेते भाई? देखिए एक राजनीतिक दल है, देखिए भाजपा एक राजनीतिक दल है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मित्र भी है, तलाक हो गया तो क्या हुआ? नहीं मैं कहां मना कर रहा हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी के मित्र थे, फिर हमारे मित्र हो गए, अब वो किसी के मित्र नहीं रहे। इसके पहले बसपा के मित्र थे, उसके पहले आम अपना दल के मित्र थे, वो बहुत लोगों के मित्र रहे। सुभाष ओम प्रकाश जी अपना दल में भी रहे, बसपा में भी रहे, अपनी पार्टी बनाई, फिर भाजपा के मित्र बने, फिर सपा के मित्र बने, उनकी मित्रता चूंकि नहीं निभ पाती किसी से, कुछ होगा। आपको सलाह देनी बुरा मान गए आप लोग, सलाह देनी बुरा मान गए। वो सबको सलाह देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि पर उपदेश कुशल बहुत रहे। आप किसी को सलाह क्यों देते हो? आप खुद अमल करो ना अपने ऊपर। वो तो निकलते हैं भाई, यात्रा निकाली 75 जिलों से, अच्छी बात है, सावधान यात्रा निकाली, अपना चुनाव लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में लड़े और जीत करके आए, मुझे भी खुशी होगी। एक पिछड़े समाज का नेता और अपनी हैसियत के अपने दम से चुनाव लड़ करके आया और बहुत बड़ा नेता बना, हम लोग भी स्वागत करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, दया राम भाई बिल्कुल हमारा कोई आपत्ति नहीं, दया राम भाई आपका जीत के आइए आप मैनपुरी से भाई, जीत करके आएंगे, स्वागत करते हम लोग भी तो जनता के बीच में आम जनता है। हम तो चाहते हैं प्रकाश भाई पूरे प्रदेश क्रांति करें। आप कहाँ जाएंगे? अरे फिर आप कहाँ जाएंगे? यहाँ जीत जाएंगे भाई, अगर सुभाष प्रसाद जीत जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? हम जहाँ है वहीं रहेंगे, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की सरकार का सदस्य हैं। मैं तो चाहता हूँ इसकी चर्चा कोई नहीं करता, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसकी चर्चा कोई नहीं। ये लोकतंत्र, लोकतंत्र में हमारे हमारी कोई मंशा जाति नहीं है। कह रहे हैं कि आप जहाँ आए हैं, गौरव भाई बोला भाग रहे हैं, किसी से जाति तो दुश्मनी थोड़ी ना है, ये वैचारिक लड़ाई है। हम समाज राजनीति की चारधारा को लेकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई बच्चा अपनी दक्षिणपंथी धारा को लेकर चल रही है, मित्रों की लेकर के अपनी राजनीति को आए हैं, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा को लेकर आम आदमी पार्टी पे आ गए, हमारी पार्टी को भूलेगा नहीं लगता है, उठाए बिना नहीं मानेंगे। इमरान भाई सबको मेरी इमरान भाई हजरा आपकी बात पर आपने बात कर दी, बताइए इमरान भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए गौरव जी बोले थोड़ी ना जिक्र मैंने अभी किया जी, बोले विधानसभा चुनावों का हमने जिक्र किया था और विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और उसको सफलता नहीं मिली, और इसी नाते नहीं मिली कि विपक्ष में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी समाजवादी पार्टी की तरफ जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। अच्छा। लेकिन चुनाव के बाद का जो जनता का जो रिजल्ट आया है, जनता का जो रुझान आया है, उससे साफ पता चलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग चले गए विधानसभा चुनाव में। कारण अगर जनता के बीच अब हम संवाद कर रहे हैं तो पता क्या चल रहा है कि भैया अगर गुंडों को ही चुनना था तो जो कमजोर गुंडे हैं उनको चुन लीजिए। ये कौन सी बात है गुंडों? बिल्कुल अभी आपने देखा कि टीवी डिबेट के अंदर भी आपने देखा, डिबेट ने आपने देखा किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया। और समाज कोई भी प्रवक्ता जो अपनी पार्टी का आता है, गौरव जी कोई भी प्रवक्ता अगर आता है तो वो उस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। टीवी पर अगर हम बैठ के बोल रहे हैं तो इमरान लतीफ नहीं बोल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता बोल रहा है, आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये समझा जाता है। तो समाजवादी पार्टी का जो चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर और नितेंद्र दिल्ली से दिखाया, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हाशिए पर जा रही है और लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी होगी 2027 में जो भाजपा को चुनौती देगी, गुजरात की तरह, पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह, आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों को किनारे हटाते भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी और इनके इस अहंकारी राज को खत्म करेगी। ठीक है, ठीक है।
आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। चुनाव महत्वपूर्ण है, पर साथ ही साथ हमारे देश की राजनीति की सूचना जो है ना, वो इस समय केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर पर टिकी हुई है। कारण केवल एक, सत्ता। कारण केवल एक, सीट। और कारण केवल एक, जनता का जनाधार। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर अगर जनता के मुद्दों पर काम किया जाएगा, विकास किया जाएगा, तो जनता को आप वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, जनता आपको स्वयं जनाधार देगी। अगर आप बेहतर करेंगे, केवल डिबेट के माध्यम से, केवल ज्ञापन के माध्यम से अगर अपनी बात रखते रहेंगे, तो जो परंपरा चलती आ रही उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के बाद फिर शुरू हुई है, वही चलती रहेगी। अगर बदलाव चाहते हैं तो संघर्ष धरातल पर करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति जो चल रही है वही चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप करिए, चाहे बयानबाजी करिए, पर अगर संघर्ष करना है तो केवल धरातल पर करिए, तभी को रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। और जनाधार उसी की तरफ जाता है जो विकास करता है और जो विकास की बात करता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।